आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ H2O, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ कंपोनेंट इन दिस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और आल्सो डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी भी फाइंड आउट करनी है, कब, तब सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन की दे रखी है 1 ग्राम एमएल इनवर्स। ओके, सॉल्व करते हैं, पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। गिवन वैल्यू नोट करते हैं, गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन मास NaOH जो कि कितना है 4, और मास NaOH गिवन कितना है H2O का, इस बार वो दे रखा है 36 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, NaOH कितना होता है, सोडियम 23, 16 एंड 140 ग्राम मोल इनवर्स। वाटर का हमें लर्न होता है, याद है, 18 ग्राम मोल इनवर्स। पहला क्वेश्चन है हमारे पास मोल फ्रैक्शन का, हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें पता है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होने चाहिए, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 4 ग्राम। ओके, मोलर मास 40 है, 1.1 मोल, सेम एज इट इज। नंबर ऑफ मोल्स हम वाटर के कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है वाटर का 36, मोलर मास 18, कितना आया कैलकुलेट करके 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, अब हम निकालेंगे पहला क्वेश्चन जो कि हमने बोला था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, अगर मैं NaOH का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल कंपोनेंट। कंपोनेंट यहाँ पे कितने हैं, तो एक है NaOH और दूसरा है H2O, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। NaOH हियर 0.1 प्लस 2, ये आएगा 0.1 अपॉन 2.1, पॉइंट से पॉइंट आटा 1 अपॉन 21 को डिवाइड करके लेते हैं 0.000, ये जाएगा 4 पे कितना 84, 69.0, ये जाएगा 0.047। क्या आया ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, और हमें पता है मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है। अगर NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.07 आया है तो वाटर का कैलकुलेट करने के लिए हम 1 में से माइनस कर लेंगे। हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू 1। अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का कैलकुलेट करें तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, NaOH की मोल फ्रैक्शन हमने अभी कैलकुलेट करें 0.047 माइनस कर लेते हैं 0.047। 10 में से गया 3, 9 में से गया 5, 9.0 आ रहा 0.953, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन H2O और NaOH आ चुके हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला कि हमें मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, सेकंड स्टार्ट करते हैं, हमें निकालना है मोलैरिटी। सॉल्यूशन की मोलैरिटी है तो वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। वॉल्यूम हम स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले कंसेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले कंसेप्ट से अगर वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास अपॉन
mass of solution upon specific gravity of solution. अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करूं तो मैं यहां पे कर लेता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो कि दोनों ही गिवन है सॉल्यूट 4 ग्राम सॉल्वेंट 36 4 प्लस 36 40 ग्राम है इसको इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन 40 स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्ट है 1 तो ये 40 ml आ गया और हम वॉल्यूम यूज करते हैं लीटर में 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.04 लीटर अब इसको पुट करना है हमें यहां वोलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है वोलेटिलिटी का फार्मूला जो कि कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट सॉल्यूट क्या था जो कम अमाउंट में होता है NaOH इसके नंबर ऑफ मोल्स आया था 0.1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमें कैलकुलेट करना है 0.04 पॉइंट आया 10 एंड पॉइंट आया 100 तो 425 से 100 तो आ गया 2.5 कैपिटल ये हमारा मोलैरिटी जो कि सेकंड क्वेश्चन था हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन कंप्लीट